नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आप लोगों के अपने चहीते मनपसंद YouTube चैनल टेक चौपाल पर। दोस्तों BSNL कर्मचारियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हां दोस्तों, BSNL के नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों का जो अक्टूबर 2020 से IDA फ्रीज था, उसके लिए एक अपडेट निकल के आ रही है कि उनका जो बकाया IDA है वो उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उस पर एक अपडेट निकल के आ रही है। आप दोस्तों देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों का बकाया IDA भुगतान पर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। DPE ने IDA रेट बता दिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को भी पता है, अभी तक BSNL मैनेजमेंट बताता था कि जो जब IDA फ्रीज हुआ था तब से DPE ने IDA रेट नहीं बताया है। जब DPE IDA रेट बता देगी तो उसके बाद हम जो बकाया IDA है नॉन एग्जीक्यूटिव का, हम उन्हें देंगे, उस पर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं BSNL EU के BSNL कर्मचारी यूनियन की ऑफिशियल साइट को। अब जैसा कि दोस्तों आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हैं कि इस समय हम हैं BSNL EU के ऑफिशियल साइट पे। BSNL EU के ऑफिशियल साइट पे दोस्तों आने के बाद आप यहां पे देखेंगे कि 12 अगस्त 2021 का ये अपडेट आपके सामने दिख जाएगा। BSNL EU मीट्स द डायरेक्टर HR एंड डिस्कस द इंपॉर्टेंट इशू। कुछ यहां पे सबसे हमें जो इंपॉर्टेंट बात जिस पे हमें डिस्कस करना है वो है पेमेंट ऑफ IDA एरियस टू द नॉन एग्जीक्यूटिव, हमें उस पे बात करना है। तो यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि बेस्ड ऑन द केस फाइल्ड बाय BSNL EU इन द ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट, डायरेक्शन इज ऑलरेडी गिवन बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ केरला, फ्रीजिंग ऑफ IDA इज नॉट अप्लीकेबल टू द नॉन एग्जीक्यूटिव ऑफ BSNL। जैसा कि केरला हाईकोर्ट ने बताया था कि जो IDA का फ्रीजिंग है वो नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों के लिए अप्लीकेबल नहीं रहेगा BSNL का। उसके बाद आप देख सकते हैं कि देयर आफ्टर BSNL मैनेजमेंट रोड टू द DPE। उसके बाद दोस्तों BSNL मैनेजमेंट ने DPE को एक लेटर लिखा था, उनसे रिक्वेस्ट किया था कि रिक्वेस्टिंग टू प्रोवाइड द डिटेल ऑफ IDA इंक्रीज विथ इफेक्ट ऑफ 1st of October 2020। जैसे ही BSNL EU कर्मचारियों ने IDA वाला केस जीता था केरला हाई कोर्ट से, उसके बाद उन्होंने मैनेजमेंट के पास वो लोग गए, उसके बाद मैनेजमेंट ने DPE को रिक्वेस्ट किया था कि आप जो बढ़ा हुआ IDA है जब DPE देगी उसके बाद ही हम उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसके बाद ही हम IDA के बारे में बात कर पाएंगे जो IDA फ्रीज हुआ था उसको लेकर के। तो आगे दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट रोड टू द DPE रिक्वेस्टिंग टू प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ IDA इंक्रीज विथ इफेक्ट ऑफ 1st of October 2020। नाउ द DPE हैज इंफॉर्म द रेट्स ऑफ IDA इंक्रीज आफ्टर 1st of October 2020 इमीडिएटली। आप देख सकते हैं कि अब आपको भी पता होगा कि DPE ने इन्फॉर्म कर दिया है उस IDA रेट को जो इंक्रीज हुआ था। आगे दोस्तों देख सकते हैं कि BSNL EU हैज रिटन टू द CMD BSNL डिमांडिंग दैट द IDA एरियस शुड बी पेड टू द नॉन एग्जीक्यूटिव विदाउट एनी डिले। इन यस्टरडे मीटिंग BSNL EU डिमांडेड इमीडिएट पेमेंट ऑफ IDA एरियस, द डायरेक्टर HR assured दैट steps would be taken for paying the IDA arrears without delay। आप दोस्तों यहां पे देख सकते हैं कि डायरेक्टर HR ने ऐसा एश्योर किया कि आप टेंशन मत लीजिए, कि एश्योर किया द स्टेप्स वुड बी टेकन फॉर पेइंग द IDA एरियस विदाउट डिले। डायरेक्टर HR ने ये एश्योर किया है कि ज़्यादा डिले नहीं होगी, जो भी IDA एरियस होगा वो पेमेंट किया जाएगा। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि BSNL EU हैज रिटन टू द CMD BSNL डिमांडिंग दैट The IDA arrears should be paid to the non-executives without any delay in yesterday meeting। BSNL EU demanded immediate payment of IDA arrears, जो भी बकाया IDA है उसका immediate payment हो। The director HR assured that steps would be taken for paying the IDA arrears without any delay। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है। आप लोगों को क्या लगता है कि कब से कब तक जो नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों का IDA है वो उनको दे दिया जाएगा, जो बकाया IDA है उनको दे दिया जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही BSNL की खबरें सबसे पहले पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और ख़बरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। और हाँ दोस्तों, उनके साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जिनको इस खबर की ज़रूरत थी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में,
तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।